लोकसभा फैजाबाद। बाबरी मस्जिद विवाद से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक का सफर इस लोकसभा सीट ने तय किया है, जिसके कारण दशकों से लोगों की नजर इस सीट पर बनी रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुआ और कांग्रेस के पन्नालाल यहां से सांसद बने। 1957 में हुए चुनाव में ब्रिजवासी यहां से सांसद बने। 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस से आरके सिन्हा यहां से सांसद चुने गए। सिन्हा 1971 में भी सांसद बने, लेकिन 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के अनंत राम यहां से सांसद बने। 1980 में कांग्रेस के जयराम वर्मा दोबारा यहां कांग्रेस की वापसी कराने में सफल रहे। 1984 में कांग्रेस के निर्मल खत्री यहां से सांसद बने, लेकिन 1889 के चुनाव में सीपीआई की मित्रा सेन ने चुनाव जीता। राम मंदिर की लहर में 1991 के चुनाव में विनय कटियार ने बीजेपी को पहली बार जीत दिलाई। इसके बाद 1996 में भी विनय कटियार यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 1998 के चुनाव में सपा के हाथों विनय कटियार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1889 के चुनाव में सीपीआई की मित्रा सेन ने चुनाव जीता। राम मंदिर की लहर में 1991 के चुनाव में विनय कटियार ने बीजेपी को पहली बार जीत दिलाई। इसके बाद 1996 में भी विनय कटियार यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 1998 के चुनाव में सपा के हाथों विनय कटियार को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1999 में वो एक बार फिर चुनाव जीतने में सफल रहे। 2004 में बसपा से मित्रसेन यादव यहां से चुनाव जीते। इसके बाद 2009 में कांग्रेस से निर्मल खत्री उतरे और सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लल्लू सिंह को यहां से उतारा और सफलता पाई, जिसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के लल्लू सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर की सीटें शामिल हैं। इनमें दरियाबाद की सीट बाराबंकी जिले में आती है। अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो मिल्कीपुर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं रुदौली, बीकापुर, अयोध्या और दरियाबाद विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में गई थी। इससे पहले हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को यहां मुंह की खानी पड़ी थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 18,04,729 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,64,426 थी और महिला मतदाताओं की संख्या 8,40,231 थी। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 72 थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह ने समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव को 65,477 वोट के अंतर से मात दी थी। भाजपा के लल्लू सिंह को कुल 5,29,021 वोट मिले थे, तो वहीं सपा के आनंद सिंह को कुल 4,63,544 वोट मिले थे। कांग्रेस के डॉक्टर निर्मल खत्री 53,386 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह ने चुनाव जीता था। लल्लू सिंह को कुल 4,91,761 वोट मिले थे। वहीं सपा के मित्र सेन यादव को कुल 2,08,986 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के जितेंद्र कुमार सिंह रहे। जितेंद्र को कुल 1,41,827 वोट मिले थे। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता निर्मल खत्री ने यहां से चुनाव जीता। निर्मल खत्री को कुल 2,11,543 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर सपा के मित्रसेन यादव रहे। मित्रसेन को इस चुनाव में कुल 1,57,315 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के लल्लू सिंह रहे। लल्लू सिंह को कुल 1,51,558 वोट मिले। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में मित्रसेन यादव बसपा से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। मित्रसेन यादव को इस चुनाव में कुल 2,07,285 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के लल्लू सिंह रहे। लल्लू सिंह को इस चुनाव में 1,73,799 वोट मिले। तीसरे नंबर पर सपा के अशोक कुमार सिंह थे। अशोक कुमार को कुल 1,37,148 वोट मिले थे। अगर फैजाबाद लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहां पर तकरीबन 84% आबादी हिंदू है। यहां सबसे अधिक ओबीसी मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 26% बताई जाती है। इनमें लगभग 13% के करीब यादव मतदाता हैं। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या 29% से अधिक मानी जाती है। भाजपा ने एक बार फिर से लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें फैजाबाद से चुनावी मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी घमासान में भगवान राम किस पार्टी पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।